अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं डॉक्टर अली और मैं आज आपको बताऊंगा कि न्यूब्रर फोर्ड गोली किस काम आती है, और साथ ये भी बताऊंगा कि इसके किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल की खासियत ये है कि मैं इसमें तमाम अल्फाज उर्दू के यूज़ करता हूँ। कभी भी मैंने इंग्लिश के लफ्ज़ कम ही इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मेरा बताने का मकसद ये होता है कि डॉक्टर हजरात के अलावा आम आदमी को भी इस बात की समझ आ जाए कि ये गोली किस काम आती है। तो आओ आए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि ये गोली किस काम आती है। ये खेलते हुए चोट लग जाए और या मोच आ जाए, इसके दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। गर्दन में चोट आ जाए और गर्दन चोट की वजह से अकड़ जाए, तो इसके चोट अकड़ को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कमर दर्द में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। जिस्मानी चोट में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी दर्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर कमर दर्द, कंधे दर्द, उसके बाद घुटनों के दर्द में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिगर गुर्दों के अमराज में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। मैदे के ज़ख़म या अल्सर में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। काले मोतिये के मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। काला मोती से मुराद आंखों में आंखों की एक बीमारी है, जिसे काला मोती कहते हैं, उन्हें इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। और इसको दौरान हमल इस्तेमाल कराया जाए तो इसके कोई पर असरात मरतब नहीं होते, इसलिए दौरान हमल भी इसे इस्तेमाल कराया जाता है। मज़ीद मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।